गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज की ब्लॉग स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह। अभी खिल रही है बहुत प्यारी सी धूप यहाँ पे, और अभी बज रहे हैं 8 बज चुके हैं। तो गाइस आज बनाते हैं नाश्ता। मैं आज भी बना रही हूँ चीला, तो आपको दिखाती हूँ बना के सी रही चीला। तो चलते हैं किचन की ओर। लागले हमने सबसे पहले क्या किया, दाल है जो कल रात ही भिगा दी थी, मिक्स दाल, और थोड़ा चाहिए चावल का आटा और थोड़ा सा चाहिए बेसन। अब इसको हम मिक्सर में पीस लेंगे। इसका बना लेंगे हम बहुत बारीक सा पेस्ट। तो ये पेस्ट बन चुका है, इसको डाल देते एक बर्तन पे और थोड़ा इसमें मिक्स कर देंगे चावल का आटा। किसी और चीज़ से करती हूँ। दाल से ज्यादा क्वांटिटी चावल और थोड़ा सा मिक्स कर देंगे बेसन, जिससे कि इसका टेस्ट और भी उभर जाए। इसमें ऐड कर देंगे हम मसाले अपने स्वाद के अनुसार। लाल मिर्च ठीक है, ज्यादा डाल देते हैं। तो गाइस हमारा पेस्ट बन के हो चुका है तैयार। इसको हम ना ही ज्यादा गाढ़ा बनाएंगे ना ही पतला, जैसे कि आप देख रहे हो। अब तवा रख दिया है, अब बनाते हैं। तो गाइस एक चीला बन के हो चुका है तैयार। खाने में टेस्टी भी होते हैं और ये बहुत हेल्दी भी है। तो ये पराठे बन के हो चुके हैं तैयार। अब इसमें थोड़ा सा लग रहते हैं आम का अचार। नाश्ता बन चुका है और किचन का सारा काम मेरा हो चुका है कंप्लीट। अभी आप देख रहे हो बर्तन भी धुल गए हैं, सब कुछ हो गया है। अब करते हैं नाश्ता। इस नाश्ता मेरा बन चुका है और मैं लेके आ गई हूँ अभी यहाँ पे। तो धूप सेकते सेकते करते हैं नाश्ता। इसके साथ लेके आई हूँ आम का अचार, जो है मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। गाइस अभी हम सब लोग यहाँ पे तैयार हो रखे हैं, क्योंकि जा रहे हैं संगीत पे। मामी लोग भी आ रखे हैं और सब चकाचक तैयार हो चुके हैं। कौन की है बच्ची? अभी लगा अभी हम सब लोग निकल चुके हैं लाइन बारी से। सबसे आगे हूँ मैं, पीछे ये लोग। यहाँ से व्यू कितना अच्छा लग रहा है, आपको दिखाती हूँ। वैसे यहाँ मैं आज आप पहली बार रही हूँ, तो आपको भी दिखाती हूँ यहाँ का व्यू लग कितना सुंदर है। सुंदर लग रहा है ना? और हमें
साड़ी में हालत डाउन हो गई थी। तो अब ये ब्लॉग यहीं पे ऐड करते हैं। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आता तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे जो भी नया है वो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नए दिन नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।